के इस वीडियो में आप लोगों को स्वागत है। इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि अमेज़ॉन पे का जो बैलेंस है उसको आप बैंक अकाउंट में कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। उसके लिए आपको इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना होगा, जिस एप्लीकेशन का नाम है ऐप पे। इस ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे भी मिल जाएगा, या फिर आप प्ले स्टोर पर सर्च कीजिएगा ऐप पे, FR Frog, ठीक है, या फॉर फिश या पे नाम है इसका। इसको इंस्टॉल करके KYC कंप्लीट कर लीजिएगा। KYC बेसिकली आधार लगता है और पैन का नंबर लगता है, उसको इंटर करके KYC कर लीजिएगा। इसके बाद फिर आपको एड फंड कर लेना है, और एड फंड जब आप करोगे तो आपको इसमें सेकंड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। ध्यान दीजिएगा, सेलेक्ट वाला ऑप्शन दूसरा करने के बाद आपको यहाँ अमाउंट मिनिमम 500, 1000 या 2000 ही इंटर करना है। उससे ज़्यादा करेंगे तो वो एड नहीं होगा, ठीक है। 2-3 बार में आप एड करोगे तो एड हो जाएगा, एड मनी का प्रोसेस हो गया। इसके बाद आपको निकालना है पैसे को, तो आपको पे वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो अभी मेरे पास जो नोटिफिकेशन है उसे मैं आपको दिखाई देता हूँ। मुझे 2000 रुपये जो है रिसीव हुआ है, अभी मैंने मतलब विड्रॉल किया है, इसको पे आउट किया है, पे आउट लेने के लिए। तो अभी 2000 रुपये ये है, दोनों में मुझे कैश फ्री से भी 2000 रुपये का नोटिफिकेशन आ चुका है, और इसी मतलब अभी 2:39 पे। तो इस तरह से आप इंस्टेंट इसमें विड्रॉल ले सकते हो, अभी ये कंपनी दे रही है। और 2000 रुपये तक का अगर आपको निकालना है तो कोई भी इसमें चार्जेस नहीं लगेगा, और अगर आप एड मनी करते हो 2000 रुपये इसमें तो 25 रुपये चार्जेस लगता है 2000 रुपये एड करने में। और ये अभी इस टाइम पे जो है पैसा आपको दे रहा है, तो जल्दी से जल्दी जाइए और इसमें से पैसा निकाल लीजिए, क्योंकि ये कुछ टाइम बाद बंद हो जाता है फिर स्टार्ट होता है। इस तरह से इसका काम चलता ही रहता है, और महीने में आप टोटल 10000 रुपये तक इसमें अमेज़ॉन पे बैलेंस को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। एग्ज़ाम्पल के लिए मैं अभी 2000 निकाल चुका था, फिर से मैं 3000 नहीं, मैं कम से कम 2900 रुपये निकाल लेता हूँ। फिर से एक सेकंड, पे वाले ऑप्शन पे हमको सेलेक्ट करना है, अपना हम UPID इंटर किए देते हैं, और इसके बाद हम आपको लाइव प्रूफ दिखाई देते हैं। अगर हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इसमें क्या है कि एक साथ 2-3 ट्रांजेक्शन नहीं होती है कभी कभी, तो अगर वो प्रॉब्लम नहीं आती है तो बढ़िया है, अगर आ जाती है तो आधे घंटे बाद करना है, जैसा मैं बाद में करूँगा। तो मैं सबमिट किए देता हूँ, MPIN इंटर करके प्रोसीड किए देता हूँ। ये देखिए समथिंग वेंट रॉन्ग लिख आ रहा है, क्योंकि मैंने अभी 2:39 पे इसमें जो है 2000 रुपये निकाल लिया है, 3000 अब बाकी है, तो उसको मैं 1-2 घंटे बाद निकालूँगा और ये निकल जाएगा। और मैं ट्रांजैक्शन हिस्ट्री रिपोर्ट भी मैं आपको दिखा दूँ, क्योंकि मेरा काम है, अभी मैं 9 तारीख का दिखाता हूँ, 9 तारीख से लेकर 10 तारीख के बीच में। तो मैंने अभी ऐड किया था कल 9 तारीख को 1000, तो उसमें 12 रुपये चार्जेस लगा था। फिर इसके बाद मैंने 4000 रुपये ऐड किया, तो और उसमें कुछ भी चार्जेस लगे थे, टोटल मतलब आपको कि 5000 ऐड करने में हमको 125-125 रुपये ऐसे कुछ लगा था चार्जेस। इसके बाद जब मैंने विड्रॉल किया तो 2000 रुपये फ्री होता है इसमें, तो फ्री 2000 रुपये हो गया, बाकी का 3012 रुपये बाकी है, तो उसमें अभी 2% का चार्जेस लगेगा, जिसको मैं बाद में निकालूंगा, तो 2% का चार्ज मुझे देना पड़ेगा। इस टाइम पे अभी इसमें 2% का चार्ज ले रहा है, और ये अभी वर्किंग है, और महीने के टोटल 10000 ही निकाल सकते हो, और बिना KYC कंप्लीट किए मत निकालना। KYC कंप्लीट करने के बाद ही एड फंड करना, मतलब एड मनी, फिर इसके बाद पे करना, ठीक। और इसमें सपोर्ट का भी नंबर है, यहाँ सपोर्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो इनका नंबर है, जो शायद लगता है नहीं लगता मुझे नहीं पता, बाकी व्हाट्सएप पे वो रिप्लाई कर देते हैं व्हाट्सएप पे भी। और ये कैश फ्री के पेमेंट गेटवे यूज करते हैं, तो इंस्टेंट पेमेंट आ जाता है। अभी के टाइम पे बस यही अमेज़ॉन पे बैलेंस ट्रांसफ़र करने का सबसे अच्छा तरीका है, बाकी का मुझे तो अभी
वर्किंग नहीं लग रहा है, क्योंकि मैं अभी सर्च करता रहता हूँ,